जान देते जो वतन के लिए, वतन की खाकी काफी उन्हें कफन के लिए। ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ईसाई चमल तोल का है जो खून दे चमल के लिए। आवाज को तलवार की झनकार बना लो, जीना है तो ईमान को हथियार बना लो। वो शख्स जिसे देख के अल्लाह की याद आए, उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। उस शख्स को, उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। सरपंच अनिल साहब से चार्म से सुनिएगा कि तुझको रुसवा तो किसी दाम ना होने देंगे, तुझको रुसवा तो किसी दाम ना होने देंगे, सर झुके ऐसा कोई काम ना होने देंगे, गैर के हाथों में नीलाम ना होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे बदनाम ना होने देंगे। ऐ वतन बदनाम न होने देंगे। टाइटल है कारगिल, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कारगिल में क्या क्या हुआ। सजनी है दूर सजन से, भोरे है दूर चमन से, सजनी है दूर सजन से, भोरे हैं दूर चमन से, खून अपना बहाते हैं देखो क्या प्यार है उनको वतन से, जवानों का खून से तर दामन है कयामत सा आलम है। कयामत सा आलम है।
मेरे में एक बुराई है, मैं सच लिखता हूं। अब जरा सच मैंने क्या लिखा है सुनना। हम हिंदुस्तान के बॉर्डर से ज्यादा आईपीएल को अहमियत देते हैं। मैंने इसमें इस बंद में ये कहने की कोशिश की, भारत की सरहद पर है गमनाक गजब का मंजर, भारत की सरहद पर है गमनाक गजब का मंजर, भारत के बॉर्डर पर है गमनाक गजब का मंजर, सब अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर, सब अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर, अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर, भारत की सरहद पर है गमनाक गजब का मंजर, सब अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर, सब अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर, सब अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर। लाड साहब, मेरा मिश्रा खराब हो जाएगा। सरपंच साहब, मैंने कहा कि भारत के बॉर्डर पर है गमनाक गजब का मंजर, सब अपने वतन की खातिर बांधे हैं कफन भी सर पर। भारत के बॉर्डर का ये मंजर है और भारत का क्या मंजर है यहाँ? धनवान है के निर्धन है, यहाँ देश की किसको लगन है, धनवान है के निर्धन है, यहाँ देश की किसको लगन है, वहाँ जा देते हैं सिपाही, यहाँ हम क्रिकेट में मगन है, जवानों का वतन हम नाम पर तेरे हर एक अरमान दे देंगे, वतन हम नाम पर तेरे हर एक अरमान दे देंगे, बचाने हिंद की जन्नत अलल ऐलान दे देंगे, सदा भारत की सरहद से आती है शहीदों की, तिरंगा झुकने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, जवानों का साहब। आपको याद होगा जिस वक्त कारगिल हो रहा था, मोबाइल का दौर नहीं था, पेपरों में खबरें आती थी, न्यूज़पेपर, बड़े मजे से हम सुबह की चाय का मजा लेते थे और वो पेपर पढ़ा करते थे जिसमें लिखा होता था कि आज फलां सिपाही, वो मुसलमान हो कि हिंदू हो, फलां सिपाही देश पे अमर हो गया, शहीद हो गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था वो न्यूज़पेपर पढ़ के, हम तो सुबह की ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं और चाय का मजा ले रहे हैं और पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है कि कारगिल के मैदान में फलां सिपाही शहीद हो गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन उस घर से पूछिए जिसका सदस्य शहीद हो गया हो, उन बच्चों से पूछिए जिनका बाप शहीद हो गया, उस बहन से पूछिए जिसका भाई शहीद हो गया, उस बीवी से पूछिए जिसका शौहर शहीद हो गया, और वो माँ से जाकर पूछो है उसकी हालत कैसी, वो माँ से जाकर पूछो है उसकी हालत कैसी, आंखों से देखी होगी जो लाश जवां बेटे की, आंखों से देखी होगी लाश जवां बेटे की, देखी होगी
जावा बेटे की वो कैसा होगा नजारा, कोई माँ की आँख का तारा, वो कैसा होगा नजारा, कोई माँ की आँख का तारा। कोई चार दिनों का दूल्हा जो जंग में गया है मारा, जवानों का उस करता मन है कयामत सा आलम है, करम अली शाह दरगाह ये पुस्तकाचे लेखक सुधाकर लाड हमारे लाड साहब माशाल्लाह राष्ट्रीय एकता में छे प्रतीक। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए माजरत के साथ। अनिल साहब जो कुछ भी आपने भेजा है मैं सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गीत का ये बंद पढ़ रहा हूँ और वक्त को भी देख रहा हूँ कि बहुत कुछ सुनाना है आपको। जरा सरपंच साहब ये गीत सुनना, बॉर्डर पे लाड साहब हम यहाँ पर फर्क करते हैं, मैं मुसलमान तू हिंदू, मैं बड़ा तू छोटा, मैं ऐसा तू वैसा, आप नहीं करते और लोग करते हैं। मैंने कहा ना कि मुझ में बुराई है, मैं सच लिखता हूं, अल्लाह करे सारा हिंदुस्तान ऐसा हो जाए, अब तो ऐसा होने पे तुला है। यहां हम फर्क करते हैं, तू ऐसा मैं वैसा, तू वैसा, बॉर्डर पे ये फर्क नहीं, तू सिपाही मैं सिपाही, तू फौजी मैं फौजी, तू हिंदुस्तानी मैं हिंदुस्तानी, ना तू हिंदू ना मैं मुसलमान। अब जरा बॉर्डर पे खड़े सिपाहियों ने कहा, हम शेर हैं हिंदुस्तानी हक अपना अदा कर देंगे, हम शेर हैं हिंदुस्तानी हक अपना अदा कर देंगे। सिकंदर भाई, हम शेर हैं हिंदुस्तानी हक अपना अदा कर देंगे, एक जान है क्या सौ जाने भारत पे फिदा कर देंगे, एक जान है क्या सौ जाने जाने है क्या सौ जाने भारत पे फिदा कर देंगे, भारत की कसम है हमको हिम्मत न कभी हारेंगे, भारत की कसम है हमको हिम्मत न कभी हारेंगे। ये दम टूटने से पहले भी दो चार को तो मारेंगे, जवानों का फरमाइश के दोबारा ये मिसरा पढूं, भारत की कसम है हमको हिम्मत न कभी हारेंगे, भारत की कसम है हमको हिम्मत
चार मिसरे साहब सुन लीजिए, मेरा मैसेज है उन तलक कि हिंदू मुस्लिम की ना लाशों को बनाओ सीढ़ी, हिंदू मुस्लिम की ना लाशों को बनाओ सीढ़ी, अब तुम्हें ऐसी रसाई भी नहीं मिल सकती। और अब अगर हिंद के हालात बिगाड़े तुमने तो तुमको कुर्सी क्या, चटाई भी नहीं मिल सकती। जवानों का